युवाओं के साथ धोखा दिया है। इन्होंने सत्ता में आने के पहले 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन अभी तक 3 वर्षों में मात्र 357 सुनियुक्तियाँ की हैं और ये नियोजन नीति जिस प्रकार से त्रुटिपूर्ण बनाई थी उसके कारण से माननीय न्यायालय ने, माननीय हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और इससे लाखों भविष्य बच्चों का, नौजवानों का, छात्रों का धर्म लटक गया और इसीलिए पूरे राज्य के 10 लाख से ज्यादा नौजवान आज सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये पहले बोलते थे कि सरकार की हम नौकरी देंगे, आज ऐसा मुर्गी पालन और सुअर पालन है, बकरी पालन के लिए ऐसा कर रही है। तो ये जो ये सरकार जो भी है नौजवानों के साथ बेरोजगार साथ धोखा देने काम किया है, इसलिए हम नौजवानों के आवाज को बुलंद करें, झारखंड की आवाज को बुलंद करने के लिए सड़क से सदन पर हम झारखंड की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। आज तमाम जो अभ्यर्थी है उनकी ओर से विधानसभा का घेराव किया जाएगा, तमाम लोगों का कहना है कि सरकार हम लोगों के साथ छल कर रही है। सरकार तो बड़ी तरह से हर मामले में छल किया, धोखा दिया है, झूठा बोला है, इसलिए पूरे राज्य के हर वर्ग के लोग आंदोलित हैं और हम उनके जायज मांगों के साथ में हम लोग बात है कि हाथों में तख्ती लिए तमाम जो भाजपा